हाल ही में सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट काफी वायरल हो रहा था, जिसमें आमिर खान, आर माधवन और शर्मन जोशी नजर आ रहे थे। इस तस्वीर को देख हर कोई यही कह रहा था कि थ्री इडियट के सीक्वल की तैयारी हो रही है। करीना कपूर से लेकर बोमन ईरानी और जावेद जाफरी तक ने इस पर रिएक्ट किया था। हालांकि इस बीच इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सच्चाई सामने आई और आपको बता दें कि ये थ्री इडियट के सीक्वल से जुड़ा नहीं है, बल्कि एक विज्ञापन है। क्या है स्क्रीनशॉट की सच्चाई? दरअसल आमिर खान, आर माधवन और शर्मन जोशी का ये वीडियो ड्रीम इलेवन का विज्ञापन है। एड में दिख रहा है कि ये तीनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जहां क्रिकेट की भी बात हो रही है। ये तीनों कहते हैं, आजकल क्रिकेटर्स एक्टिंग बहुत कर रहे हैं, ऐसे में अब इन्होंने भी प्लान किया है कि अब एक्टर्स क्रिकेट खेलना शुरू करेंगे। वीडियो में कई फनी मोमेंट्स है और इन तीनों के अलावा कई क्रिकेटर्स भी नजर आते हैं। वीडियो में दिख रहा है कि ये तीनों क्रिकेटर्स की खिल्ली उड़ाते हैं तो क्रिकेटर्स इनके साथ मस्ती करते हैं। वहीं आखिर में आमिर कहते हैं कि अब क्रिकेटर्स और एक्टर्स आमने सामने होंगे। क्या है वायरल वीडियो? वायरल वीडियो में दिख रहा एक पत्रकार अपने साथी से कहता है, थ्री इडियट का सीक्वल आ रहा है, लिख के ले ले। इसके बाद आमिर, माधवन और जोशी कहते हैं, न जानता हूँ आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि हम एक्टर्स क्रिकेटर्स की ड्रेस में क्या कर रहे हैं। वो क्या है ना कि क्रिकेटर्स एक्टिंग करने लगे हैं, जब भी टीवी खोलो तो दिखता है कि ये मैं कर लेता हूँ, वो मैं कर लेता हूँ, तो हमने सोचा कि ये लोग एक्टिंग में बिजी हैं तो क्रिकेट हम कर लेते हैं। देखिए एड में, एक्टिंग हर कोई एक्टर नहीं बनता, इसकी हर फिल्म 300 करोड़ के ऊपर जाती है, लेकिन एक्टिंग उनसे करवा रहे हैं। ये लोग हमारी फील्ड में घुसकर ज्यादा ही उड़ रहे हैं, अब हम इनकी फील्ड में घुसेंगे। ओपन चैलेंज, जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर। वही वीडियो में आमिर, माधवन और जोशी के कमेंट्स पर क्रिकेटर्स का रिएक्शन भी देखने को मिला, जिसमें रोहित शर्मा, चहल आदि शामिल रहते हैं।